पवित्रम दिव्य देशाक्षम ज्योतिर्धाम। यहाँ पर देखिए ऊपर झंडा भाई लहरा रहा है। तो अभी हम अपने नरसिंह का मंदिर है, आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित भगवान नरसिंह। यहाँ पे आसपास नवदुर्गा मंदिर है, वासुदेव से आएंगे, याद रखना। और मान्यता तिमन्या वीर की बहुत ही विशाल मान्यता है, और 84 भैरव और 52 वीरों में से एक ये भी वीर है। यहाँ के बादाम होते हैं भाई, अगर आप आएंगे इसको जरूर खरीदिएगा। नरसिंह मंदिर के स्थानीय लोगों ने भी काफी सुंदर सी जानकारी दी है, और आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और मौसम की बात करें तो सावन का महीना भी लग चुका है, और यहाँ पर देखिए पूरे बादल ही बादल लगे हैं, और चारों तरफ यहाँ से वहाँ नहीं दिख रहा है, और आप देख सकते हैं। और ऊपर भी देखिए सभी जगह बादल ही लगे हैं, ये देखिए। तो मैं अभी रोड में पहुँच चुका हूँ, और अभी मैं थोड़ा गाड़ी का इंतज़ार करूँगा। तो कब तक आएंगे? अभी तक तो माम जी बता रहे थे 2-3 सवारी हो गई हैं। और चलो वासुदेव मंदिर के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी देखिए, और ये देखिए भाई, तो इसका भाई पाइप पर इसका जो पाइप है वो छोड़ दिया, पता नहीं कौन ले गया, और एक इंडिकेटर भी तोड़ करके ले गया, बल्ब नहीं है उस पर। उनको पता। तो देखिए भाई ये हालत है, पता नहीं कौन निकाल कर ले गया। आजकल के दिनों में रोड की बहुत ही समस्या होती है, और कल ही अभी सुबह भी और कल भी भाई वहाँ पर सामने हमारे घर के सामने यहाँ पर रोड है, तो वहाँ पर टूटता रहता है, और देखते हैं आज है कि नहीं है। कल तो बड़े बड़े पत्थर आ रखे थे हैं जी, शंकराचार्य के रूप में आए। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर दंडित किया है। तो गाइस अभी हम बाजार जा रहे हैं, और काका जी भी आ रखे हैं, और यहाँ पर देखिए भाई बहुत ही भयंकर वाला पत्थर आ रखा था, जो कि अभी हमने ये वाला पत्थर था, और कुछ पत्थर ऊपर रख दिए हैं, कुछ नीचे कर दिए, और मामा जी वहाँ पर जा रखे हैं अभी। तो ये देखिए भाई आजकल भाई इस तरह की स्थिति है, नहीं डोंगा होना। तो अभी हम लगभग जोशी मठ में पहुंचने वाले हैं। तो कुछ ककड़ियां थी हमारे और घर में रुके थी, तो यहाँ पर मैं लाया हूँ 1, 2, 3, 4, 5 ककड़ियां थी, और देखिए कितने रुपए होते, 40 रुपए, और ये देखिए 200 रुपए हो गए हैं। और पिताजी है भाई वहाँ पर एडमिट, तो कल हॉस्पिटल में नहीं रहे थे, वो हमारा भाई है कृष्णा, तो कृष्णा के यहाँ गए थे वो। तो यहाँ से है रास्ता चौराहे से सीधा नीचे, और यहाँ से जाना है हमें नीचे। तो आप सामने देखेंगे यहाँ पर स्लीपिंग लेडी है, तो काफ़ी सुंदर सा दृश्य आपको दिख रहा है जोशी मठ से। तो यहाँ पर ये सामने रहा हाथी पर्वत। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ से आपको दिख रहा है सामने जो है कि हॉस्पिटल है, और पापा जी वहीं पर हैं, और उसी के नीचे अभी आपको जस्ट हम बताने वाले हैं नरसिंह मंदिर। तो वीडियो में बने रहें। चलो अभी चलते हैं थोड़ा मंदिर में, और आपको नरसिंह भगवान जी का मंदिर दिखाते हैं। तो यहाँ से है प्रवेश द्वार, आप देख सकते हैं, और चलेंगे यहाँ से नीचे। तो यहाँ पर कुछ मित्रों अभी हम पहुँच चुके हैं वासुदेव मंदिर में, और यहाँ पर वासुदेव मंदिर है, तो आओ चलो वासुदेव मंदिर के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्राचीन शिलाएं हैं, और अभी हम ये प्रवेश द्वार है वासुदेव मंदिर, और यहाँ पर तो मुझे कौन सी देवी देवताएं हैं वहाँ, तो आपको चलो बताता हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सुंदर सी कलाएं हैं यहाँ पर, और पुराना मंदिर है ये, काफ़ी गौरीशंकर मंदिर है यहाँ पर, गौरीशंकर महादेव जी का मंदिर है, और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से चलते हैं और यहाँ से बाहर आते हैं, और ये है वासुदेव जी का मंदिर। तो काफ़ी सुंदर काली माता जी का मंदिर यहाँ पर आप सामने दिख रहे हैं। तो जो इसकी बनावट है दोस्तों, तो पूरा पत्थर की है, और उस ज़माने में इसके अंदर जो पत्थर कटिंग करते थे, तो बहुत ही सुंदर कला निकाल रखी है। और ऊपर का गुंबज है जो आपको दिख रहा होगा, तो ये गुंबज है जो, तो इसको भी बहुत अंदर से छेद करके इसमें और लोहे फंसाए जाते थे इन मंदिरों में भी, तो लोहे के बनाए रहते हैं और छेद, और उस हिसाब से इनको बनाया जाता है, ताकि भविष्य में कभी भूकंप आए तो उस चीज़ से ये बचे रहें। शिव मंदिर है यहाँ पर, भोले शंकर महादेव जी का मंदिर है। तो यहाँ पर प्रवेश करना अंदर फिलहाल वर्जित है, और आप यहीं से चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सुंदर सा मंदिर है, और इस पर पेंट भी कर रखा है ये देखिए। और यहाँ पर भैरव देवता का मंदिर है, आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे कि आपको इस मंदिर को दिखाने का। तो यहाँ पर देखिए नवदुर्गा मंदिर है यहाँ पर, तो काफ़ी सुंदर से मंदिर हैं ये, आप देख सकते हैं।
तो अभी हम यहाँ पर घूम करके एक परिक्रमा हमने कर दी है और यहाँ पर है वासुदेव। तो चलते हैं यहाँ से। तो ये अंकल जी हैं, देखिए अंकल जी को अभी मैंने फोन दिया, अंकल जी बोल रहे हैं कि भाई मुझे फोन चलाने नहीं आता, फिर भी बहुत ही अच्छी फोटो निकाली है, धन्यवाद अंकल जी। और आपको मैं यही जोशीमठ यही थैंक गाँव। अच्छा तो यहाँ पर देखिए काफी सुंदर से मंदिर है, जो ये सामने पेड़ दिख रहा है आपको, और तो देखिए काफी सुंदर है। और ये चूली का पेड़ है, खुमानी भी बोलते हैं इसको और सीताफल भी बोलते हैं। और यहाँ पर बाबा जी बैठे हैं और कुछ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और मुझे लगता है नारायण के भक्ति ही होंगे क्योंकि मैं भी भक्ति हूँ। और वहाँ पर देखिए ऊपर काफ़ी सुंदर सी आकृतियाँ हैं, तो अगर बाबा जी बात करेंगे तो उनका अनुभव आपको बताएंगे। तो मित्रों अभी मैं मस्त इस छांव के नीचे बैठा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी दर्शन करके, क्योंकि वीडियो अंदर बनाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर एक प्राचीन धारा है, उसके विषय में आपको बताऊँगा। और उधर भी एक मंदिर है और सामने भी हाथी पर्वत है। और यहाँ से नज़ारे आप देखेंगे, ये देखिए काफ़ी सुंदर से नज़ारे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया सा है। और यहाँ पर एक झरना आ रहा है, ये इसकी खूबसूरती निहाल कर देती है। और लाइटें भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर लगे हैं, तो ये नज़ारा आई होप कि आप पसंद कर रहे होंगे वीडियो को। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर सा मंदिर है भगवान जी का। यहाँ पर चुपली रखने का एक बहुत ही शुभ माना जाता है उत्तराखंड को, जैसे मेरी भी है। तो एक दिक्कत होती है हमेशा, जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो पंडित जी नमस्कार बोल देते हैं, तो का थोड़ा बुरा लगता है। वैसे तो नमस्कार तो भगवान को किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं रुक करके स्क्रीनशॉट ले करके। और यहाँ पर अंकल जी हैं कुछ बता रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही हनुमान जी का मंदिर है, जो कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, अभी मैं वहाँ पर भी जाऊँगा दर्शन के लिए। और यहाँ पर देखिए तिमुन्या वीर जी हैं यहाँ पर। तो भाई मान्यता तिमन्या वीर की बहुत ही विशाल मान्यता है, और 84 भैरव और 52 वीरों में से एक ये भी वीर हैं, यहाँ पर इनकी पूजा होती है। तो यहाँ पर हाँ ताऊ जी हैं, डंडे टोक से पानी है। अच्छा के डंडे टोक से पानी है, कोई पूजा पानी के लिए जा रहे थे, साधु को देखो शंकराचार्य मिले, गंगा माता पानी निकल, डंडे धारा है, डंडे धारा तुम्हारा घर पपन ठेंग सुंदर सा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और दुकानें भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ऊपर झंडा भाई लहरा रहा है, तो अभी हम आपको नीचे दिखाएंगे ग्राउंड में जा करके। और यहाँ पर एक प्राचीन जो मन धारा है, तो यहाँ पर नीचे है वो, हाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें भी हैं, और दीदी जी हैं यहाँ पर स्वेटर बुन रहे, भाई जी कुछ यहाँ पर कर रहे हैं देखिए, और अंकल जी भी यहाँ पर काफ़ी सुंदर सी चीज़ें यहाँ पर, हाँ झूला भगवान के लिए बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है जो हमारे ये पहाड़ के बादाम होते हैं भाई, अगर आप आएंगे इसको ज़रूर खरीदिएगा। और चलते हैं मंदिर में। तो यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर थे मंदिर समिति में, जब मैं था तो हम नीचे रहते थे, तो यहाँ पर जब ये मंदिर बन रहा था तो यहाँ पर नीचे भगवान जी थे। तो चलते हैं नीचे, और जूते तो यहाँ पर नीचे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर काफ़ी सुंदर सी, देखिए काफ़ी सुंदर सी कला है इसमें, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर देखेंगे स्थानीय लोग और यात्री लोग यहाँ पर बहुत ही हैं, तो देखेंगे उनका अनुभव आपको बताएंगे। बाबा जी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? बद्रीनाथ से यहाँ दर्शन के लिए, कहाँ से हैं आप? आप कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। अच्छा, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, हाँ हाँ आपकी यात्रा शुभ हो। गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ। अच्छा आप सभी हो साथ में। तो देखिए यहाँ पर भाई बहुत ही सुंदर दृश्य है, और आपको चारों तरफ से बताएंगे, आप वीडियो में ज़रूर बने रहें देखिए। और यहाँ पर भाई जी हैं, तो मुझे ऐसे लग रहे हैं पसवा हैं। देखिए यहाँ से प्रवेश द्वार है, आप यहाँ से सीधे भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। तो हम भी चलते हैं यहाँ पर देखिए, और वहाँ से दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाबा जी बैठे हैं। बाबा जी आपने ये चाकू क्यों लगा रखे? ये अच्छा बेटा, सब्जी उब्जी काटनी पड़ती ना, जब कहीं बनाते खाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए। अच्छा, घंटी घंटी भी बांध रखी है। और यहाँ पर देखिए ये फल बगाने के लिए इसकी घंटी है। नरसिंह मंदिर का है, नरसिंह मंदिर है, उनको बताना पड़ता है ये नरसिंह मंदिर है। और यहाँ से नीचे नौ
हाँ मैं अभी यही चीज बोल रहा हूँ आंटी जी ना, हम खुद यहाँ पे बताते हैं। तो अभी मैंने पूछा ना यहाँ पर नीचे, आंटी जी भी डिस्कस कर रही थी कि पहले नरसिंह मंदिर यहाँ भगवान जी के यहाँ पहले यहाँ पर श्री गणेश जी और वासुदेव जी हैं, तो वहाँ पर दर्शन करके फिर आएंगे हम बोलेंगे वासुदेव टेम्पल जाओ, वो बोलते नरसिंह मंदिर कहाँ है, नरसिंह मंदिर इधर है, तो वो पहले वहीं जाएगा। अच्छा पूछते हैं ना नरसिंह मंदिर, हम बोलते इधर जाइए, यहाँ से जाइए, नवदुर्गा वो पे जाइए, वासुदेव वो पे जाइए, पहले गणेश जी का जो लोकल लोग होते हैं ना वो तो पहले वहीं जाएंगे, उनको पता है, उनको पता है यहाँ पे नवदुर्गा। तो दीदी जी का कहना आप जरूर मानेगा, जो लोग हमसे जुड़े हैं और हमारे सब्सक्राइबर, तो सबसे बढ़िया जानकारी यहाँ पर दीदी जी ने भी दी और नीचे भी कहा है। तो यहाँ से पहले वासुदेव मंदिर में जाना है और हाँ गणेश भगवान जी, और वैसे जैसे पूजा में भी होता है तो पहले गणेश भगवान जी को पूजा जाता है, तो आप वहाँ जा करके पूजा करके और तब आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। और मैं जूते भूल गया था वीडियो बनाने के चक्कर में, तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे जूते लगाऊंगा। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखते देखते कहीं आप भूल न जाए। तो भाई हमारे अभी यहाँ पर दोस्त हैं, तो नरसिंह मंदिर के सामने यहाँ पर हॉस्पिटल के सामने इनकी दुकान है, तो आप काफ़ी सारे सामान रखे हैं भाई जी ने, तो हमारे दोस्त हैं। बहुत भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखते देखते कहीं आप भूल न जाए। पहले आप लोगों का तुम यहाँ के गढ़वाली लोग हो, हम ऐसे नहीं करे, पहले होता है नवदुर्गा का पूजा सीधा आके और तब जाते हैं नरसिंह मंदिर में। आप पहले नरसिंह मंदिर चले गए, अब तब जा रहे हैं नवदुर्गा मंदिर। वो भगवान जी के कोई बात नहीं, ये बात कह रही हूँ, पहले जमाने के हैं हम, तो अब अभी नया हूँ, पहले होता है गणेश जी की पूजा तब जाते हैं नरसिंह मंदिर में। अरे आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई आप जानकारी होती तो आप भविष्य में आप अभी बेटा रावत जी भी आते हैं ये पुराने मंदिर से, ये रास्ते से जाते हैं, उससे कभी नहीं गए। अच्छा, कहीं नहीं वहाँ से बाजा बज के आए, यही मंदिर से सारे देवता यही मंदिर से वहाँ से बोले हैं, यही मंदिर आते हैं। सुनो सुनो हमको दुकान, हमको तो पता नहीं, हम पहले पहले आ रहे हैं, ये दुकानदार इन्होंने बोला था ना कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, गलती कर दिया, प्रसाद को खोपे बोल कर दे, अगली बार से आएंगे याद रखना। और जो भाई जो चैनल में है हमारे साथ जुड़े हुए, तो अगर नरसिंह मंदिर में आपने आना है तो पहले सबसे पहले यहाँ पर आप दुर्गा मंदिर आना है पहले, हाँ उसके बाद हाँ यहाँ पर आने के बाद पहले गेट से दुर्गा मंदिर के लिए, हाँ उसके बाद रास्ता नरसिंह, हाँ और यहाँ से निकलने आएगा आपने, तो चलते हैं ऊपर। और तो अभी आंटी जी ने बहुत ही सुंदर जानकारी दी, तो कभी कभी चर्चा हो जाती है और मैंने पूछा उनको और उन्होंने बता दिया, तो यहाँ पर कर्तव्य है जो पहले दुकान वाले हैं यहाँ पर, तो उनका कर्तव्य है कि भाई वहाँ पर आदमी को बताए, क्योंकि यात्री लोगों को पता नहीं होता है। पवित्रम दिव्य देशाक्षम ज्योतिर्धाम सुप्रदम नरसिंहरूपी भगवान यथा अस्ते मुक्तिदायक उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्युम नमामि हम। यहाँ पर भगवान नरसिंह का मंदिर है, आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित भगवान नरसिंह का जो विग्रह है स्वयंभू विग्रह है, शालिग्राम विग्रह है। जब भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो 6 महीने यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो पवित्र गद्दी है 6 महीने यहीं पर विराजमान होती है। यहाँ पे भगवान नरसिंह शांत रूप में विराजमान है। यहाँ पे आसपास नवदुर्गा मंदिर है, वासुदेव मंदिर है, अष्टभुजा गौरी शंकर हनुमान जी का मंदिर भी यहीं पर विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने हमको काफ़ी सुंदर जानकारी दी है, तो भाई आप भी आए और भाई जी यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ से भी आप प्रसाद ले जा सकते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने हमको सुंदर सी जानकारी दी है। अभी यहाँ पर मेडिकल शॉप से पिताजी के लिए दवाई रख देंगे, तब चलते हैं नीचे हॉस्पिटल में। पिताजी का भाई शुगर भी हाई लेवल पर लगभग 200 तक चला गया है और अभी ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं देखिए, और डॉक्टर साहब यहाँ पर देख रहे हैं अभी। तो मित्रों अभी मैं हॉस्पिटल की छत में हूँ और यहाँ से देखिए नरसिंह मंदिर का खूबसूरत नज़ारा, और ये रहा जोशीमठ शहर, तो काफ़ी सुंदर हमारा जोशीमठ है और इसका नाम बदल के ज्योतिमठ रख दिया गया है। और यहाँ से भाई हमारा गांव तो बहुत ही दूर दिख रहा है, आप देख सकते हैं देखिए, और हॉस्पिटल ये रहा, और यहाँ पर एक टावर भी है आप देख सकते हैं, और स्लीपिंग लेडी का ना नज़ारा यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
हमारा ये छोटा सा प्रयास देवभूमि के खूबसूरत पहाड़ों से ये छोटी सी जानकारी, होप करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ज्योतिर्मठ के विषय में जानते हैं। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय हिंद।